हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्काउंट, छूट या कटौती जिसे हिंदी में कहते हैं, उस पर एंट्रीज देखेंगे। तो पहले तो डिस्काउंट है क्या, अभी कैश डिस्काउंट का बात कर रहे हैं। डिस्काउंट और भी तरह के होते हैं जो कि हम लोगों ने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में डिस्कस किया है, पर आज हम लोग कैश डिस्काउंट की बात करेंगे। इसके बाद ट्रेड डिस्काउंट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो डिस्काउंट है क्या कि जो पैसे हमें किसी को देना है उसमें कुछ पैसे की छूट मिल जाना कि भाई आपको इतना नहीं इतना ही देना पड़ेगा, 4,000 देना है और हो गया कि 3,900 दे के आप काम चल जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमें 5,000 किसी से लेना है और वहां पे बात हुई कि चलो 4,800 दे दो, 4,800 रुपए दे दो, चलो हिसाब करो, ठीक है। तो ये जो पैसा सीधा सा बात है, डिस्काउंट यानी लेने या देने में जो जिस अमाउंट की छूट मिल जा रही है कि उतना कम देना पड़ रहा है या उतना हम कम ले रहे हैं, वो डिस्काउंट। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट का बात कर रहे हैं। अब कैश डिस्काउंट जनरली होता क्यों है, कई कारण हो सकते हैं। एक तो कारण, सबसे पहला कारण ये होता है कि आदमी को, सामने वाले को जल्दी एक फिक्स पीरियड में वो पैसा दे दे या तुरंत दे दे, इसके लिए उसको प्रमोट करना कि उसे अगर छूट के ये होगी कि हमें छूट मिल जाएगा इतना, तो वो आदमी चाहेगा चलो भाई जो देर से देंगे तो इतना ज़्यादा लगेगा, इतना पैसा लगेगा, पर अगर समय पे दे दें, जल्दी दे दें तो इतना पैसा कम देना पड़ेगा, तो इसके लिए उसको प्रेरित करना इसके लिए। या फिर छूट अपने जो बहुत ज़्यादा अच्छे जो घनिष्ठ हैं, जिनसे अच्छा संबंध है, उन्हें भी डिस्काउंट दे दिया जाता है खरीद बिक्री में, माल की खरीद बिक्री में जिनसे अच्छा रिलेशन है, या जो रेगुलर कस्टमर हैं उनको भी इस तरह का डिस्काउंट मिल जाता है। तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो सबसे बड़ा एक कारण है कि आदमी को, सामने वाले को, पार्टी को जिसे पेमेंट करना है उसे एक फिक्स पीरियड के अंदर या जल्दी पेमेंट या तुरंत पेमेंट करने के लिए प्रेरित करने के लिए यह कैश डिस्काउंट दिया जाता है। तो उसे डिस्काउंट का बात करेंगे। आज परचेज से रिलेटेड या पार्टी को पेमेंट करने से रिलेटेड जो डिस्काउंट का एंट्री होता है वो कैसे होता है, तो पहले तो कुछ सवाल लेते हैं। पहले फॉर्मेट बताइए, फॉर्मेट आप सभी को। डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट के दो कॉलम, ठीक है। ये हो गया डेट का कॉलम, ये पार्टिकुलर्स हम लोग जर्नल कर रहे हैं, ये जर्नल का फॉर्मेट है। लेजर फॉलियो LF, अमाउंट के दो कॉलम, डेबिट क्रेडिट। देखते हैं कुछ सवाल। पहला, पेड टू राजीव 6,800 rupees, he allowed discount rupees 200। पहले ये सवाल हो गया। दूसरा एक और, paid to Gautam 1,000 rupees, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम या ही अलाउड डिस्काउंट, बात एक ही है, ही अलाउड डिस्काउंट। सेंटेंस जो है ट्रांजेक्शन का अलग अलग हो सकता है, उसे आपको ध्यान रखना है कि एक ही मीनिंग के अलग अलग सेंटेंस हो सकते हैं, तो हमें मतलब को समझना, उसके हिसाब से एंट्री करना। हो सकता है यहां पर ही अलाउड डिस्काउंट की जगह डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम ऐसा भी लिखा रहे, तो ही अलाउड डिस्काउंट ₹100, ठीक है। तो ये हो गया एंट्री, ये करता है, फिर आगे अगला एंट्री देखेंगे। तो पहला क्या है, पे टू राजीव, राजीव को दिया, बिजनेस ने राजीव को पे किया कितना, 6,800 रुपए, 6,800, एंड ही अलाउड डिस्काउंट ₹200, उसने डिस्काउंट दिया 200 रुपए। तो यहाँ पे बिजनेस को छूट मिल रहा है, हमें छूट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट, डिस्काउंट मिल रहा है, तो फायदा गेन,
ठीक है, और डिस्काउंट हम देंगे तो वो हमारे लिए नुकसान है। तो ये फायदा है, तो फायदा होने पे नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो देखते हैं एंट्री क्या होगा, क्या करेंगे, राजीव से अकाउंट डेबिट, राजीव का हिसाब कितने का है हमारा, क्योंकि हम उसे 6,800 रुपए दे रहे हैं और 200 रुपए का उससे छूट ले रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उसका टोटल हिसाब जो है 7,000 रुपए का है, जिसमें से हम 6,800 दे रहे हैं और 200 का उससे डिस्काउंट हमें मिल रहा है। तो राजीव में को डेबिट करेंगे 7,000 रुपए से टू कैश अकाउंट 6,800, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना छूट मिल रहा है हमें, 200। ठीक है, अगर अकाउंटिंग अप्रोच के हिसाब से देखें तो राजीव पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश हमारे पास से जा रहा है इसलिए इसे क्रेडिट किया, और डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अकाउंटिंग अप्रोच ऐसे हो गया। ठीक है, नरेशन तो लिखना है, पेइंग पेड टू राजू, पेड टू राजीव एंड ही अलाउड, ही अलाउड डिस्काउंट, ये एक नरेशन हो गया, एक एंट्री। दूसरा एंट्री सेम ही है, पेड टू गौतम, गौतम को कितना दे रहे हैं 1,000 रुपए, उसे छूट मिल रहा है 100 रुपए का, तो गौतम से अकाउंट डेबिट कितना भाई, तो अमाउंट इसका मतलब ये 1,100 रुपए का हिसाब था उसका, तब हम उसे 1,000 दे रहे हैं और 100 का उससे डिस्काउंट मिल रहा है, तो 1,100 रुपए का, तो गौतम ने गौतम को डेबिट किया 1,100 रुपए से, 1,100 रुपीज से टू कैश अकाउंट, उसे दे रहे हैं 1,000 रुपए टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 100, बीइंग पेड टू गौतम एंड थोड़ा चेंज कर लेते हैं, लिख देते हैं यहां पे एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, मतलब वही है, वो हमें डिस्काउंट दे या हम उससे डिस्काउंट लें, दोनों में डिस्काउंट तो हमें मिल ही रहा है, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, तो ये हो गया। और दो एंट्री देखते हैं, अगला एंट्री परचेस्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 9,000 ऑन 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, और दूसरा परचेस्ड गुड्स फ्रॉम कपिल रुपीज 20,000 इमीडिएट पेमेंट मेड 60% ऑन 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो पहला है परचेज गुड्स फॉर कैश 9,000 ऑन 5% कैश डिस्काउंट, तो हम 9,000 का खरीद रहे हैं गुड्स, जिसमें 5% का छूट मिलेगा, कटौती मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा, तो 5% निकाल लेते हैं कितना आएगा इसका वर्किंग, 9,000 का 5% कितना हो गया, 9,000 का 5% इसे यहां से लेते हैं,
9000 का 5%। तो 450, तो 450 का छूट डिस्काउंट मिलेगा हमें, तो पे कितना करना पड़ेगा, 9000 माइनस 450, 8550, ठीक है, इतना देना पड़ेगा। गुड्स हम खरीद रहे हैं 9000 रुपए के, तो इसके लिए एंट्री क्या होगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट, कितने का गुड्स खरीदा हमने 9000, टू कैश अकाउंट कितना दे रहे हैं 8550 रुपए, 8550 रुपीज, और डिस्काउंट जो मिल रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड कितना 450, कितना का छूट मिल रहा है, ठीक है, समझ में आया। गुड्स हमने खरीदा 9000 का, तो परचेज को डेबिट किया 9000 से, और रुपया देना पड़ रहा 8550, 8550, तो उसमें से कैश को क्रेडिट किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट है कैश परचेज, और डिस्काउंट रिसीप्ट हमें फायदा हुआ है, नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स 450 का हमें छूट मिला। बिंग, गुड्स परचेज ऑन 5% कैश डिस्काउंट, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला, ये एक वर्किंग हो गया हमारा पहला, दूसरा में क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम कपिल ₹20,000 इमीडिएट पेमेंट मेड, खरीदा गुड्स हमने कपिल से 20,000 रुपए का, और तुरंत इमीडिएट पेमेंट कर रहे हैं कितना 60%, मतलब 20,000 का 60% ऑन 5% कैश डिस्काउंट। तो अभी जब अभी हमने बताया कि कैश डिस्काउंट जो कैश में हो रहा है पेमेंट उस पे होता है, तो भाई हमें सबसे पहले यहां पे कैश पेमेंट निकालना होगा। तो कैश पेमेंट कितना हो रहा है, तो 60%, तो 20,000 का 20,000 का 60% 12,000, यानी उधार कितना रह गया, उधार कितना है, क्रेडिट में कितना है, वो जो क्रेडिट में वो पार्टी के नाम पे चला जाएगा जिससे खरीद रहे हैं उसके नाम पे, 20,000 में 12,000 रुपए नगद कैश में, तो 8,000 का उधार हो गया, ये पार्टी के नाम पे रहेगा, सप्लायर के नाम पे रहेगा, अब रह गया 12,000, उसमें हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो 12,000 12,000 का 5% 5% है कैश डिस्काउंट, तो 5% मिलेगा, 600 डिस्काउंट मिलेगा, तो हमें पे कितना करना पड़ेगा, 12,000 में से 600 निकाल के 11,400 रुपए हमें पार्टी को देने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसका एंट्री क्या होगा, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, कितने का खरीद रहे हैं हम 20,000 रुपए का, टोटल जो गुड्स परचेज किया जा रहा है 20,000 का, टू कैश अकाउंट कितना पेमेंट कर रहे हैं 11,400, क्योंकि 12,000 इमीडिएट 60% 12,000 होता है, जिसमें से 600 का हमें डिस्काउंट मिला, 5% डिस्काउंट है कैश पेमेंट पे, तो 12,000 में 600 निकल गए, तो पे कितना करना पड़ रहा है 11,400 रुपए, डिस्काउंट हमें कितना मिल रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव कितना 600 रुपए, और टू जो उधार रह गया, किससे खरीदा हमने उधार का मान, उधार खरीदा गुड्स को, तो पार्टी को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर, पार्टी यानी सप्लायर, सप्लायर कौन, कपिल, तो कपिल को कर देंगे, टू कपिल से कौन कितना 8,000 रुपए, ठीक है। अब नरेशन बीइंग परचेज गुड्स पेमेंट मेड
परचेज गुड्स एंड इमीडिएट पेमेंट, इमीडिएट पेमेंट, पेमेंट मेड 60%, 60% and 5% discount enjoyed, 5% discount enjoyed या discount received, जो भी लिखना है, enjoyed, received. तो ये हो गया discount खरीदने पर. अभी हम लोग cash discount का कर रहे हैं, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग सेल्स पे करेंगे डिस्काउंट. अभी खरीदने पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है तो फायदा है. तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिस्काउंट से रिलेटेड. अभी आगे के 2-3-4 वीडियो होंगे. तो इस वीडियो में इतना ही. आप लोग चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं. थैंक यू.